एक सवाल है यहाँ पर विवेक अग्रवाल जी का, इनकी भी जिज्ञासा इन्फोसिस के बारे में तो है, साथ में HDFC बैंक के बारे में है। तो इन्फोसिस के लिए तो विवेक जी आप वो पहले वाली बातचीत सुन लीजिए अभी जो थोड़ी देर पहले ही हमने की है, और HDFC बैंक के लिए समझते हैं कि अब यहाँ पे क्या करना चाहिए। सोमेश, इन्होंने कुछ बताया नहीं है कि नहीं बताया इन्होंने कि ये खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि खरीदने के लिए बढ़िया लेवल क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द बाइंग लेवल्स। हाँ, तो विवेक सर वैसे कि थोड़ा सा और डिटेल बताएंगे कि HDFC बैंक खरीदने का तरीका क्या है, रेट किस स्टैंड पॉइंट से, या बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हर तरीके से हम अलग अलग देख पाएंगे। फिलहाल आपको पूरा व्यू दे देता हूँ, फिर आप फैसला ले लीजिए। HDFC बैंक का जो स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमी पे मेरी व्यू है, और जो HDFC बैंक का क्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस है, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है। इसलिए इसका मेरे हिसाब से एट सम पॉइंट इन टाइम, ये साल तो मैं शायद नहीं कह पाऊंगा, लेकिन एट सम पॉइंट इन टाइम हो सकता है ये कैलेंडर के बाद, लेकिन इसी फिनेंशियल में हो सकता है इसका फ्रेश न्यू हाई। लेकिन अभी क्या है, इसने जो अभी टेस्ट किया है अपना ऑल टाइम हाई, उसके बाद का करेक्शन पुल ऑफ है, जो कि टुवर्ड्स 200 DA में जाना चाहिए, वो जल्दी। तो मार्केट का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत खराब नहीं हुआ या कोई अनहोनी नहीं हुई, तो 1500 के आसपास से सपोर्ट मिलना चाहिए, नहीं HDFC बैंक को उसके आसपास से सपोर्ट मिलना चाहिए, फिर कंसोलिडेशन में जाना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से बहुत किसी तरह की खराबी नहीं है मेरे हिसाब से, और ये पोर्टफोलियो स्टॉक, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें ट्रेड से ज़्यादा अच्छा पैसा इन्वेस्टमेंट में बनेगा। और 1500 के पास एक बार ही देखेंगे, अगर वहाँ से सपोर्ट निकल के आता है, क्योंकि 200 DA में है वहाँ पे, तो आता है तो फिर वहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी करेक्शन ट्रिगर हुआ है, तो 1500 पे रुकता है कि नहीं, या उसके आसपास बाइंग आती है कि नहीं, या मार्केट का स्ट्रक्चर फिर से चेंज होता है कि नहीं, उसके बाद ही इसकी बाइंग की वैल्यूएशन की जा सकती है। तो दोनों आंसर आपको मैंने दे दिया ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से, आपको ट्रेंड का वेट करना होगा। और इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से यही है कि स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, तो जैसे टाटा स्टील का था कि उस समय ट्रेंड क्लियर नहीं था, लेकिन HDFC बैंक का है कि मुझे लार्जर ट्रेंड में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखती है। तो 1500 से अगर शुरू भी किया स्टैगर्ड वहीं, तो मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं लगती है चार ट्रांचेज में। जी, यहाँ पर एक तो मैंने इसके जो पिछले दो बॉटम हैं, बड़े बॉटम, उनको मिला करके एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश की है। इसमें एक बॉटम है 1275 के आसपास और दूसरा बॉटम है 1365 के आसपास। ये लाइन जो है वो बिल्कुल इस समय मेल खा रही है आपके 200 दिनों के मूविंग एवरेज के साथ। जो इस चार्ट में यहाँ लाल लकीर दिख रही है, ये वो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो क्या इस ट्रेंड लाइन को आगे चल करके फॉलो किया जा सकता है, या आप कहेंगे ये दोनों एक ही साथ चल रहे हैं तो आप ट्रेंड लाइन फॉलो करें या 200 डे मूविंग एवरेज फॉलो करें, एक ही रिजल्ट आपको मिलना है यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये, साथ में मैंने रिट्रेसमेंट भी लगाया है, तो उस रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखें तो 1540 के आसपास 38.2% रिट्रेसमेंट आता है। तो कितनी संभावना ये है कि नहीं एक बार को ये लगभग 1500 तक चला ही जाएगा, या कितनी संभावना कि शायद इन्हीं लेवल्स पे 38% पे ही ये संभल जाएगा। चूंकि 37,000 पे निफ्टी बैंक रुक जानी चाहिए, और HDFC बैंक बहुत लेट रन आया भी है इसमें, तो मुझे लगता तो नहीं है कि 38% से ज़्यादा, 38% से डिविएशन हो सकता है, बिकॉज 200 DA में नीचे है, तो 200 DA में 1500 के आसपास ही इसको इवेल्युएट करना चाहिए। रिट्रेसमेंट भी थोड़ा सा मिक्स रहेगा इसमें, लेकिन एग्जैक्ट एक इंडिकेटर पे इस पर नहीं जाना चाहिए, मेरा तो यही मानना है, बिकॉज आपका 38% के पास आप आएंगे तो गैप का रिटेस्ट भी होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है इसका। और एक जी बार ये गैप भरने के चक्कर में फिर 200 DA में टेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए 38% को एकदम सैक्रोसेंट मान के तो नहीं चलना चाहिए मेरे हिसाब से। जी गैप आपका बना हुआ है, ये 1525 के आसपास से शुरू हुआ है वो गैप। तो फिलहाल अभी इसमें थोड़ा सा नीचे का रुझान है, लेकिन फिर इनको करना क्या चाहिए, मतलब खरीदारी के लिए बढ़िया लेवल इनके हिसाब से क्या रहेगा? जैसा मैंने बताया, आप खरीदारी आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना है, लॉन्ग टर्म, जो कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, वैसे हिसाब से।
तो मुझे नहीं लगता कि 1500 के पास से अगर चार ट्रांचेज में इसको बाइंग किया जाए 5-5% के गैप के इंटरवल पे, तो कोई दिक्कत होने वाली। लेकिन आपने ट्रेड करना है तो जो बंद बताया ट्रेड के लिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा। तो ट्रेंड 1500 पे रुकता है, वहां से बाउंस होता है, कंसोलिडेशन होता है कि नहीं, उसके बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल तो ट्रेंड डाउन है, तो 1500 तक तो मुंह बंद ही रखना होगा जी। अब यहाँ पर ट्रेंड डाउन है, इस बात का ध्यान रखिए, जो लेवल्स बताए हैं सोमेश जी ने उनका ध्यान रखिए, और उसके हिसाब से फिर आगे जैसे जैसे स्थितियाँ बनती हैं अपना निर्णय आपको लेना होगा उसके हिसाब से।